नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं एक सेक्स वर्कर, एक प्रोस्टिट्यूट का इंटरव्यू लेने के लिए। 2020 का पेंडेमिक हम सभी के लिए बहुत बड़ा रहा है और इन लोगों के लिए भी रहा है। इन लोग तो और भी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि कोई फिजिकल हो नहीं सकता है और इन लोग का रोज़ी रोटी उसी पे बेस्ड है। तो बस हमने एक छोटा सा इंटरव्यू करने का सोचा, आइए देखते हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आप कैमरे में देख के अपना नाम और अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते सबको, मेरा नाम प्रगति है, मैं नागपुर से रहने वाली हूँ और मैं एक सेक्स वर्कर हूँ। आप इस फील्ड में कितने सालों से हैं और आप किस तरीके से आए हैं इस फील्ड में? मैं इस फील्ड में 5 सालों से हूँ और मेरे माँ के प्यार ने मुझे इस फील्ड में लाया है। माँ का प्यार मतलब मेरे माँ के दूसरे पति ने मुझे यहाँ लाया है। ओह ओके, तो आपके खुद के पापा कहाँ हैं और आप लोग कितने भाई बहन हो या आप सिंगल हो? आपके माँ का प्यार आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? मैं जब 12 साल की थी मेरे पापा मर गए थे। मेरे माँ बाप को 5 बच्चे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। अब बाप मरने के बाद पेट चलाने के लिए कुछ चाहिए था तो मेरी माँ ने दूसरी शादी की और उसके दूसरे पति ने बोला कि अकेले से कुछ होता नहीं है पेट पालना, तो तुम्हारी बड़ी लड़की को काम में भेजो, तो उसने मुझे यहाँ ला दिया। ओह आई सी, तो क्या आपके माँ को पता है आप क्या काम कर रहे हो? क्या आपकी बातें होती हैं उनसे? उनको पता है आप यहाँ हो और ऐसे काम कर रहे हो? नहीं, हर महीने के 15 तारीख को वो मेरे माँ का दूसरा पति आता है, पैसे लेता है, मेरा आधा पैसा मेरे घर पे जाता है, तभी माँ से बात करवाता है फोन पे। माँ बहुत खुश है। मेरे दो जो बाकी भाई बहन है उसमें से 2 जन अभी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो माँ को नहीं पता है कि मैं क्या काम करती हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ तक के पढ़े लिखे हो और आप बड़े होके क्या बनना चाहते थे और आप जब इस फील्ड में आए आप कितने साल के थे? जी, मैं 10th पास हूँ। 10th बोर्ड में मुझे 89% आए थे। मैं बड़े होके इस देश को चलाना चाहती थी, मतलब प्रेसिडेंट बनना चाहती थी, पॉलिटिशियन बनना चाहती थी, पॉलिटिक्स में जाना चाहती थी। और मैं जब 15 साल की थी तब मुझे इस फील्ड में लाया गया है। बस अच्छा, काफ़ी छोटी उम्र से। वैसे आप कितना कमा लेती है एक दिन में? जवान हूँ तो जब तक जवान है इस फील्ड में ऐसा है, अगर सेक्स वर्कर हो जवान हो तो पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। एक दिन में 6-7 तो 50-60 कभी कभार आ जाते हैं, तो जवान होकर के ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं और जवान होकर के ज़्यादा कस्टमर भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो कोई आएगा नहीं ना, कस्टमर कम हो जाते हैं। जिन्हें पसंद आते हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे देते हैं, पर कब तक चलेगा उनसे। और आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसे था? फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब कैसे समझाऊं आपको, ये अंगूठी दिख रहा है मेरा हाथ है, ये जान ही रहा है ना, जान ही रहा है, इसको जबरदस्ती ऐसे हम डालते हैं हाथ में जब ये स्क्रैच होता है। बस वैसा ही कुछ मेरा एक्सपीरियंस है कि इसी चीज को आप 15 बार रिपीट कर दो, टाइट है, जाएगा ही नहीं। बस वही मेरा एक्सपीरियंस है। अब 15 साल की लड़की से क्या एक्सपेक्ट करते हो जिसके साथ ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम है। अब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आपके दर्द को मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। सो कस्टमर कैसे आते हैं आपके पास? कस्टमर हर प्रकार के आते हैं, भूखे कुत्ते से लेके भोले भाले भले मानुस तक के, सब प्रकार के। शादीशुदा आते हैं तो किसी की बीवी मर गई होती है, किसी की बीवी उनको खुश नहीं रख सकती है, या किसी को 2 लड़की चाहिए
अपने साथ बिस्तर पे, वैसे लोग आते हैं। या कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि आते हैं, आपकी लाचारी देखते हैं, पैसे देते हैं पर छूते तक के नहीं है, चले जाते हैं बस रूम में टाइम काट के, बातें करके, मेरा दुख हल्का करके। हर प्रकार के लोग आते हैं। इससे पता चलता है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। बट क्या आपने कभी कोशिश नहीं की इस चीज़ से बाहर निकलने की, कोई जॉब करने की या फिर से पढ़ाई स्टार्ट करने की? क्या मैडम, गई थी मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए या दूसरी जगह जॉब करने के लिए। वो वही पूछते हैं, 5 साल क्या किया, अभी 20 क्यों ना, तो क्या किया, क्यों स्कूल छोड़ दिया, क्वेश्चंस। झूठ बोलूं तो पता चल ही जाता है कहां तक झूठ बोलूंगी, कब तक भागूंगी, क्या ही झूठ बोलूं। सच बोलो तो सीधी सी बात है ना, एक सेक्स वर्कर को कोई जॉब भी नहीं देगा और ना एक सेक्स वर्कर को कोई पढ़ने देगा। वो यही बोलेंगे स्कूल का कॉलेज का खराब हो जाएगा रेपुटेशन, तो कोई क्यों कुछ। पर हाँ, कुछ लोग होते हैं जो जैसे ही पता चलता है सेक्स वर्कर हूँ तो बोलते हैं अभी जाओ, रात को होटल नंबर दे देते हैं, फोन नंबर ले लेते हैं। बस जब इस फील्ड में आई हूँ तो इस चीज के अलावा मुझे कोई कुछ दे नहीं सकता है ना। इंडिया सिर्फ बोल सकता है कि, सिर्फ इंडिया नहीं बाहर में भी, यहाँ पे सिर्फ बोल सकते हैं, हर जगह से बोल ही सकते हैं मुंह से, पर हमको नहीं मिलता है इतने इजीली कोई भी जॉब या पढ़ने के लिए कोई मौका। कुछ बनना भी चाहे तो नहीं बन सकता। ये बात तो आप बिल्कुल सच बोली हो। वैसे रक्षाबंधन आ रहा है और ईद भी है, तो आप अपने घर जाओगे? कैसे सेलिब्रेट कैसे करते हो फेस्टिवल? क्या ईद और क्या होली दिवाली हमारे लिए मैडम, राखी भाई है नहीं, भाई जो भी है वो गाँव में है, उल्टा एक्स्ट्रा पैसे भेजना पड़ेगा। और कस्टमर आ गए तो बस उनके साथ दिवाली होली सब, कस्टमर उनके कारण ही पेट चल रहा है ना, उनके कारण पेट पल रहा है, तो मना नहीं कर सकते लक्ष्मी को। तो होली दिवाली राखी जो भी हो, कस्टमर आ गए तो काम पे लगना पड़ता है। और होली दिवाली फेस्टिवल्स में तो ज्यादा पैसे घर में भेजना ही पड़ता है ना छोटे भाई बहनों के लिए। अभी बाकी और जो है उनको भी, दो जन को भी कॉन्वेंट स्कूल में भेजना है, तो बस जैसे कि आपने बोला था आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप न्यूज़ देखती हो, राफेल इंडिया में आया है, आप क्या सोचती हो इसके बारे में? सब बहुत खुश है, प्राउड है, तो आप क्या बोलना चाहती हो? जी मैडम, न्यूज़ देखती हूँ, पढ़ती हूँ, मैं बुक्स पढ़ती हूँ, पढ़ाई का शौक है, कभी कुछ बनूंगी या नहीं बनूंगी नहीं पता, पर अपने तरफ से कोशिश जारी है पढ़ने की। मैम जैसे कि बहुत ज़्यादा अभी लोग बोल रहे हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे नारे चल रहे हैं ना इंडिया में, तो राफेल अगर इंडिया में बनता तो मैं ज़्यादा प्राउड करती। जब मोदी जी इतना सब चला रहे हैं कि हम सब इंडियन चीज़ यूज़ करेंगे, कपड़ा हो कुछ भी हो, ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही, ऐसा हो सकता है कि शायद इंडियन के पास दिमाग की कमी पड़ गई है, हाथों की कमी पड़ गई है और कुछ सामान की कमी पड़ गई है, इसलिए हमारे साइंटिस्ट लोग और हमारे पढ़े लिखे लोग राफेल जैसी चीजें नहीं बना रहे। ऐसा भी हो सकता है कि उससे भी अच्छा कुछ बना ले हमारे इंडियन ब्रेन, हमारे इंडियन साइंटिस्ट लोग, हमारे इंडियन लोग उससे भी शायद कुछ और अच्छा बना ले। और भव्य राम मंदिर बन रहा है तो आप क्या कहना चाहती हो? मंदिर की बात तो शायद हो सकता है, इंडिया में बहुत ज्यादा जगह है इसलिए भव्य मंदिर बन रहा है, बट इस बात का सच्चा प्रूफ, मतलब बहुत जगह है वो तो कोई झोपड़े में रहने वाला इंसान ही बोल सकता है। शायद सबको 1 BHK फ्लैट या 1 BHK घर सबको मिल रहे होंगे, मुझे नहीं पता मुझे, मैं तो वही खोली में रहती हूँ, एक खोली में 4 जन करके। और शायद ऐसा भी हो सकता है इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसे हो इसलिए भव्य मंदिर बन रहा है। मेरा जात पात कुछ है नहीं, मुझे जात पात के हिसाब से कोई देखता भी नहीं है, मुझे सब बिस्तर के हिसाब से ही देखते हैं, मुझे पैसे भी उसी का मिलता है, तो शायद इंडिया के पास पैसे बहुत ज्यादा है, बट वो रास्ते पे चल रहा हुआ भिखारी बोल सकते कि इंडिया के पास कितना पैसा है और वो कितने बड़े घर में रहने के बावजूद अपने फटे कपड़े में घूम रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना कि शायद हाँ हमारी इकोनॉमी भी बचानी है,
कि बाहर से लोग आए फॉरेन से और हमारे बड़े बड़े मंदिरों को देखे, अच्छा है बाहर से जितना लोग आएगा, क्योंकि वैसे भी बाहर के लाइक जापान चाइना के लोग पढ़ाई में ज्यादा फोकस करते हैं ना, उन लोग को हॉस्पिटल्स चाहिए, उन लोग को स्कूल कॉलेजेस चाहिए ताकि वो आगे बढ़ते रहे, और हमसे आगे भी है, आज हम पीछे है तो मैं ये नहीं बोल रहा मंदिर के कारण है, चाहे तो अभी जो मंदिर सॉरी स्कूल और हॉस्पिटल्स बने उसको भी तुड़वा के मंदिर बना दो, क्योंकि हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है ना, कोरोना टाइम में भगवान ही हमको बचाएगा। तो मैं अभी इस बात में कुछ भी बोलूंगी तो लोग नीचे गंदा गंदा लिख देंगे, कोई मतलब नहीं है। हाँ सही कहा आपने। तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, लास्ट मैसेज? मैडम यहाँ लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो एक सेक्स वर्कर की क्या सुनेंगे। ठीक है मैं फिर भी बोलती हूँ, देखिए इंडिया में ना, सच बता रही हूँ, सिर्फ अब मैं इंडिया के बाहर गई नहीं हूँ, मेरे कस्टमर इंडिया में ही है, यहाँ पे कुछ भी बुरा होता है, कोई सुसाइड कर लिया, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, किसी को कुछ कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ हाथ उठता है, हाथ भी सिर्फ कोई जस्टिस करने के लिए नहीं, फोन में टाइप करने के लिए, इंस्टाग्राम में स्टोरी डालने के लिए, ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए, फेसबुक पर डालने के लिए, बस उसी के लिए उठता है। थोड़ा पैर भी उठाइए, कमर भी उठाइए चेयर से, बैठ के कुछ करने से अच्छा दिमाग लगा के कुछ दूसरा करने की कोशिश कीजिए। और हम भी इंसान हैं, हम भी चाहते हैं, कुछ लोग कुछ लड़कियां आती है जबरदस्ती, किसी को जबरदस्ती लाया जाता है जैसे मैं, कुछ लोग मजबूरी में करती है ऐसे काम, और कुछ लोग को शौक रहता है कि उनको महंगी महंगे कपड़े, सब लोग महंगी महंगी चीजें चाहिए रहती है तो अपने खर्च उठाने के लिए आती है। और रही बात आज के टाइम के कपल की, देखिए आप 18 के हो गए, आप तो बड़े हो, आप लोग को पता है अच्छा खासा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर जो छोटा है मैं उन लोग को बता देना चाहती हूँ कि आप आज जिसके साथ सोए हो, जरूरी नहीं कि आपकी शादी उनके साथ हुई होगी, बुरा लग रहा होगा तो माफ करना, कल आपका दूसरा बॉयफ्रेंड बनेगा आप उसके साथ सोओगे, फिर तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, पांचवा बनेगा, सही है। आप लोग को टैग मिलता है, आप लोग को पैसे नहीं, आप लोग को गिफ्ट्स मिलते हैं, पर आप में और हम में कोई फर्क नहीं रहा फिर, क्योंकि आप हमेशा अलग अलग लड़कों के साथ बिस्तर में सो रहे हो। कुछ चीजें होती है जो चार दीवारी के पीछे ही अच्छी लगती है, मेरे मुंह में ऐसी बातें शोभा नहीं देती, पर मैं इस फील्ड में लाई गई हूँ, आना नहीं चाहती थी। और इंडिया में ऐसा है ना, आप कोई बॉलीवुड एक्टर्स को या फिर जो डायरेक्टर, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि गंदे गंदे सीन्स दिखाते हैं, हमारे बच्चों को बिगाड़ते हैं या फिर हम बिगड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो देखना चाहते हो ना वही दिखाते हैं। अगर टीवी में सेक्सुअल सीन्स है, किसिंग सीन्स है, बेड सीन है, तो इसीलिए क्योंकि आप लोग देखना चाहते हो, उसमें लोग ज्यादा चिल्लाते हो करके इसलिए। और आज हम लोग इसलिए इस फील्ड में है क्योंकि आपके भाई, आपके पति, आपका बॉयफ्रेंड, आपका दोस्त चाहता है हम लोगों को, इसलिए हम लोग ये फील्ड में हैं। और हम दूसरे फील्ड में जाते भी है तो हमको काम देते नहीं, हमसे एक ही चीज उम्मीद करते हैं लोग। तो बस इतना करना कहना चाहती हूँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ूंगी, ये फील्ड में मैं रहूंगी नहीं, क्योंकि अगर मेरी बात की कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ करना। आप लोगों को हैप्पी ईद, हैप्पी रक्षाबंधन, सब लोग खुश रहिए, बट अपनी इज्जत का परवाह कीजिए, लड़की लोग स्पेशली। आप लोग को शादी के बाद किसी को अपना मुंह दिखाना है, लड़कों का कोई कुछ पूछता नहीं है, पूछना चाहिए पर पूछता नहीं है। बस धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू मिस प्रगति, आपने अपना टाइम निकाला और हमसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद।